गाइस यहाँ दो दो का धनिया होने वाला है अभी। ये देखो यहाँ पे बैठा रहा है सब। ये जादुई चीज है, इसको क्या कर सकते हो पता है? सो हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी कोई ठीक होंगे। एंड गाइस मेरा नाम है रुपेश चौधरी एंड मैं हूँ झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से सिटी बरी से। हाँ, तो मैं आज जाने वाला हूँ अपनी बचपन में मतलब दो तीन चार साल पहले हम लोग कंचा खेलते थे ना गोली, तो आज मैं वहीं पर जा रहा हूँ बिकॉज मेरे दोस्त लोग वहाँ पर ऑलरेडी गए हैं खेलने के लिए। तो देखते हैं कहाँ पर गए हैं, ढूंढना पड़ेगा, तो फिर चलते हैं। तो उससे पहले दिखाता हूँ कि मेरे घर में अभी पेंट का काम चालू हो गया है। गाइस इधर इधर ना हो चुका है, नीचे भी बचा हुआ है, और ये हमारा बिस्तर ऐसे ही कैसे पड़ा है, और लीसन यहाँ पे मतलब स्टेप्स यहाँ पे पड़े हैं, तो अभी दोपहर में इसको चालू करूँगा। तो गाइस ये अपना कंचा लेके जा रहा है, इसके कंचे से खेलूँगा। दिखाओ कितना सारा है तेरे पास भाई? इतना ही सा है, इतना से हमको जीत के बहुत सारा करना पड़ेगा। इसका नाम है शिवानंद, ये मेरे घर के बगल में रहता है, तो इसके कंचा से आज खेलने जा रहे हैं। देखते हैं, ऑलरेडी खेल रहा है वहाँ पे, तो चलो फिर खेलते हैं साथ में। हम लोग का मारने जा रहा है, हम लोग का पारी हो गया है और दो गाली अभी तक निकाल चुका है। ये दो दो मेंबर और जुड़ चुका है, ये तो खेलेगा नहीं बच्चा, तो अभी और भी पारी बड़ा होगा। देखो बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो मिंडी लिए कब आ रहा है, सारा गोली ये ले गया। अभी फिर से स्टार्ट हो रहा है हमारा धैया, गाड़ी के पीछे से मार रहा है वो। मारो मारो, ये देखो मेरा पास आ गया गोली। तो गाइस मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ, तो मेरे बदले में शिवानंद खेल रहा है, तो चलो देखते हैं क्या है। मैं तो हार गया था ना, दो ही बचा था, तो उसी में से खेल रहा हूँ भाई। यहाँ पे गच्चा हो गया है, उसी के वजह से पोपट भसंड मचा हुआ है। ये देखो भाई यहाँ पे झगड़ा कर रहा है सब आपस में। भाई इसका शकल देखो, देखने के लायक बन गया। ये देखो भाई यहाँ पे भसंड मचा हुआ है, यहाँ पे गाइस अभी हम जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए अपने आईफोन से। वहाँ पुल जो गए थे ना पिछले बार में, तो वहीं पे खिंचवाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो सीन है बहुत ही ज़्यादा मस्त है, तो वहाँ जाके खिंचवाएंगे। ये सब खिंचवाएगा, मैं तो वैसे भी खिंचवाते रहता हूँ, तो इन लोग का खींच दूंगा, तो फिर चलते हैं वहाँ पे सीधा। तो गाइस यहाँ पे अभी ना मालगाड़ी जा रहा है पटरियों पे, तो वहीं से हम जाने वाले हैं, तो पहले चला जाएगा उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पटरियों पे, और जो मालगाड़ी थी वो चली गई, तो फिर चलते हैं। अभी तो दूर दूर तक कोई भी ट्रेन नहीं दिख रहा है, तब तक हम फोटो क्लिक करा लेंगे। बाकी साइड में तो जगह है फोटो क्लिक कराने के लिए, तो उधर भी कराएंगे। अभी चलते हैं, सामने हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ ब्रिज के सामने, और उस साइड वाला कॉर्नर में, और ये बीच बीच में फोटो क्लिक कराएंगे अभी हम। तो अपना पोज दे चुके हैं अनिल साहेब जी, अब खिंचाने वाले हैं फोटो। मोहतरमा आप कैसे कैसा फोटो खिंचाने चाहेंगे बताइए? भाई सैड फोटो खिंचाएगा, चलो फिर खींच देते हैं। क्या बोलता पब्लिक, खींच दे इसका फोटो? तुम क्या बोलता पब्लिक? चलो भाई सबका हाँ है, तो खींच देते हैं फिर। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, हम ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। पिछले बार भी बताया था गिरोगे तो फिर पार हो जाओगे, तो उतना ज्यादा हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं नहीं, बस फोटो खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न जाने वाले हैं। अगर घूमना होगा तो अभी चले जाते हैं फिर जंगल में उधर, तो फिर उधर का भी सीन दिखाते हैं जाके। वहाँ पे आम के पेड़ बहुत है जो हम खाते थे मतलब पहले, अभी तो ख़त्म हो गया सीजन, तो उधर भी चलेंगे, पहले फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। तो गाइस हमें ना यहाँ से जंप करना पड़ेगा, क्योंकि उधर से पूरा झाड़ी है, तो यहीं से जंप करके जाना पड़ेगा। और ये अभी जंप करने के लिए तैयार हो गया। बंगलू जंप करो, जल्दी जंप करो भाई। आओ चलो भाई अब मेरा पारी है, और सब अभी नीचे जा रहा है, बस मैं ही बचा हूँ। डर भी लग रहा है, पहली बार इतना ऊंचाई से जंप करने जा रहा हूँ, तो चलो। वाह भाई जंप हो गया, अब चलते हैं नीचे, उधर जाके फोटो शूट कराएंगे, और उधर जंगल भी है तो बहुत ही अच्छा लोकेशन रहेगा उधर का, तो चलते हैं फिर नीचे यहाँ से। ओ भाई, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जंगल झाड़ियों के बीच, और यहाँ पे मच्छर बहुत लगती है भाई। पहला बात यहाँ मच्छर लगती है, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ही पुराना समय से मतलब पुराना टाइम से जमा हुआ रहता है, तो वही बारिश हमें मच्छर लगती है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ एक चीज़ अपनी खेत, तो चलो फिर देखते हैं वहाँ पे जाके। तो गाइस ये ना एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, बट ये ग्राउंड अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई खेलता नहीं ना, तो ग्राउंड जैसा नहीं लगता, तो ये बस खाली पड़ा है यहाँ जानवरों के लिए, सब यहाँ पे जानवर चर रहे हैं। और उधर हमारी खेत है, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, एक दो
फोटो क्लिक करवाएंगे। गाइस अभी हम ना अपने खेत पे पहुंच गए हैं और अभी इसके बीच में जाके फोटो क्लिक करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो अभी अनिल चला गया है बीच में और उसका फोटो क्लिक करवाना है। बीच में जाना भाई, तो भाई अंदर इसको भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ का फोटो ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो ये धान है ना तो ये निकल चुका है ना अभी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। हाँ वहीं पे अच्छा लग रहा है ना भाई, देखो एक नंबर लग रहा है। अभी खींचता हूँ फोटो इसका बिना। गाइस ये कांटे मेरे पूरा पेंट में लग चुका है, ये सब जितने हैं ना ये सब मेरे पेंट में लग गए हैं, इसको जाके छुड़ाना पड़ेगा बहुत मुश्किल से। भी लग गया, तेरा भी लग गया है, ये देखो भाई यहाँ पे छुड़ा रहा है। ये बहुत खतरनाक है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका नाम चुराट है, हम लोग तो झारखंड के भाषा में चुराट बोलते हैं, तो वही चीज़ है ये। गाइस यहाँ पे एक छोटा सा कोई भवन बना हुआ है, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, वहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, रेस्ट करेंगे और धूप से बचने के बाद फिर जाएंगे हम घर। तो चलते हैं फिर वहाँ, सब कोई तो पहुँच चुका है, मैं ही पीछे रह गया हूँ और सब लटक रहा है वहाँ पे, हैंगिंग कर रहा है, तो फिर चलते हैं। तो गाइस ये सब थक चुका है यहाँ पे। कितना भाई कितना दूर से आ रहा है तुम लोग? सब थक गया भाई यहाँ पे, देखो लटके कौन लटकेगा यहाँ पे, ये देखो भाई ऊपर कितना गंदा हो रखा है, कोई आता नहीं ना इधर। मारो डिप्स मारो, ये देखो भाई हैंगिंग कर रहा है ये। तो गाइस अभी हम चलते हैं नदी में, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब पानी है ना बहुत ही अच्छा से और अच्छा लग रहा है देखने में, जो बह रहा है ना नीचे गिर रहा है, पूरा झरना टाइप में लग रहा है। तो फिर चलते हैं वहाँ पे, वहाँ का क्या सीन है वहाँ पे देखते हैं। मछली भी रहती है इस नदी में, वो ऑलरेडी तो नदी में रहता है, सांप भी रहता है बहुत खतरनाक, लेकिन सामने जाने के बाद डर के भाग जाता है वो, है ना? यस। भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है? भाग जाता है। तो फिर चलते हैं नदी में जाएगा? यस। तो चलो भाई चलते हैं फिर, आराम से जाना भाई, यहाँ पे फिसल के गिरेगा भाई। तो गाइस नदी में आ चुके हैं और ये देखो कितना मस्त लग रहा है दिखने में भाई, आराम से गिर जाएगा। कितना यहाँ देखो ये गंदा है भाई, गंदा। ओ भाई हम पत्थर पे चढ़ते हैं, यहाँ भी फोटो क्लिक कराएगा क्या? चलो भाई यहाँ भी फोटो शूट करते हैं फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर और नदी से तो होके आ गए हैं, वहाँ पे बहुत मतलब कि कुछ कोई नहा रहा था तो हम वहाँ पे वीडियो नहीं बनाए, तो अभी घर जा रहे हैं मस्त। और इसका तो साइकिल छूट गया है इस भाई का, तो अभी साइकिल लेने के लिए जाएगा, तो हम चलते हैं अभी घर, मस्त सो जाएंगे, जाके फ्लैट हो जाएंगे कुंभकर्ण के जैसा, है ना भाई? कौन कौन सोएगा, कोई मार्केट जाएगा तो कोई घर जाएगा, कोई सो जाएगा, लेकिन मैं तो सो जाऊंगा जाके अभी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। ओके भाई।